Hey guys, I'm Shakshi and welcome to another exciting video from your class 9th English Behaves book. Class 9th English ke book ka chapter number 8 Reach for the Top aaj hum discuss karenge. So without wasting time, let's start the chapter. Reach for the Top is divided into two segments, one about Santosh Yadav and the other about Maria Sharapova. सो बच्चों जो ये चैप्टर है रीच फॉर द टॉप ये हमारे टू सेगमेंट्स यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड है. पहले पार्ट हमारा संतोष यादव जी के बारे में है एंड दूसरा पार्ट हमारा मारिया शरापोवा के बारे में है. संतोष इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. संतोष जी जो हैं वह पहले पार्ट की नायक हैं. प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक, इट मीन्स संतोष यादव जी फर्स्ट पार्ट की हमारा मेन कैरेक्टर है. Santosh was the only woman in the world to have conquered Mount Everest twice when she wrote this narrative. Santosh Yadav ji दुनिया की एकमात्र महिला थी, एकमात्र लड़की थी जिन्होंने Mount Everest को दो बार फतेह किया था. मतलब वह दो बार Mount Everest पर चढ़ी थी जब उन्होंने यह कहानी लिखी थी. It opens by describing her birth इन अ कम्युनिटी दैट रिगार्डेड गर्ल्स एज अ कर्स. संतोष यादव जी ने सबसे पहले अपने बर्थ के बारे में डिस्क्राइब किया, अपने जन्म के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वे ऐसी कम्युनिटी, ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कियों को अभिशाप माना जाता था. कर्स का मतलब होता है अभिशाप, मतलब जिस समाज में वह पैदा हुई थी वहाँ पर लड़कियों को अभिशाप माना जाता था, मतलब लड़कियों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जाती थी, उन्हें यह बहुत गलत समझा जाता था लड़कियों को. वी लर्न दैट हरियाणा इज़ हर बर्थ प्लेस एंड शी डिफाइज कल्चरल एक्सपेक्टेशन बाय क्लेमिंग हर आइडेंटिटी. हमने देखा कि वह हरियाणा में पैदा हुई थी, मतलब जो उनका बर्थ प्लेस था वह हरियाणा था. वह अपनी पहचान का दावा करके सांस्कृतिक अपेक्षाओं मतलब कल्चरल एक्सपेक्टेशन को धता बताती है. वह अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वह जिस समाज में रहती थी उस समाज में लड़कियों को गलत माना जाता था, इसलिए वह अपने आप को पॉइंट आउट करते हुए अपने कल्चरल की एक्सपेक्टेशंस की अवहेलना करती है. ठीक है, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे. शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू जेंडर प्रिजुडिस सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. वह बचपन से ही जेंडर प्रिजुडिस की शिकार थी. जेंडर प्रिजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन करना लड़का लड़की में. जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि संतोष यादव जी ऐसी कम्युनिटी, ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पे लड़कियों को अभिशाप माना जाता था. वह बचपन से ही ये भेदभाव झेलते हुए आ रही थी एंड शी डिटरमाइंड टू फोर्ज हर ओन पाथ. और फिर भी उन्होंने ये सब झेलने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना रास्ता खुद बनाने की ठानी. She applied for admission in Delhi and paid for her education entirely on her own, performing part-time jobs. Then फिर संतोष यादव जी ने दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एजुकेशन की फीस भरी. She then moved to a hostel in Jaipur where her life began to alter. देन फिर वह जयपुर में किसी हॉस्टल में चली गई पढ़ने के लिए जहाँ से उनका जीवन चेंज होना स्टार्ट हुआ. ऑल्टर मतलब जहाँ से उनका जीवन बदलने लगा. शी डिसाइडेड टू ज्वाइन माउंटेनियरिंग एडवेंचर एंड नेवर लुक्ड बैक. फिर उन्होंने माउंटेनियरिंग एडवेंचर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया. माउंटेनियरिंग एडवेंचर मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत में चढ़कर एडवेंचर करते हैं ना, उन्हें माउंटेनियरिंग एडवेंचर कहा जाता है. यानी कि उन्होंने माउंटेनियरिंग एडवेंचर में शामिल होने का डिसीजन लिया एंड नेवर लुक्ड बैक. और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने वहीं से अपनी सक्सेसफुल होने की जर्नी स्टार्ट कर दी. शी अर्नड इट थ्रू हार्ड एफर्ट एंड अ प्रोफेशनल कोर्स इन विच शी सक्सीडेड. और उसने कड़ी मेहनत करी और एक प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से इसे अर्न किया जिसमें वह सफल हुई. और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी जिससे वह अपने सफलता की सीढ़ी पर चढ़ी. देन एट द एज ऑफ 20 शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992. फिर 20 साल की उम्र में उन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट को
फतेह किया, मतलब 20 साल की उम्र में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ लिया था। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू डू इट एंड शी इवन हेल्प अनदर क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन। वह ऐसा करने वाली पहली महिला थी और उन्होंने अपना ऑक्सीजन देके और क्लाइंबर्स जो उनके साथ माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े पर्वत पर चढ़े थे उनकी मदद भी की थी। शी मेड इंडिया प्राउड बाय मेकिंग हिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हर विद द पद्मश्री अवार्ड। उन्होंने इतिहास रचकर हमारी भारत माता इंडिया को प्राउड फील करवाया और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सो बच्चों, यहाँ तक हमने संतोष यादव जी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे इतने बड़े पर्वत पर चढ़कर फतेह किया और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, तब भी वह हार नहीं मानी और उस मुकाम पर जाकर हमारे भारत का नाम रोशन किया। सो बच्चों, आफ्टर दैट वी गेट पार्ट टू विच फोकसेस ऑन मारिया शारापोवा अ वेल नोन टेनिस प्लेयर। यहाँ तक बच्चों रीच फॉर द टॉप चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा पर केंद्रित है। वी हियर्ड अबाउट हर राइज टू द टॉप ऑफ द वुमेन टेनिस रैंकिंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मारिया शारापोवा ने वुमेन्स टेनिस रैंकिंग यानी कि महिला टेनिस रैंकिंग में शीर्ष टॉप तक का मुकाम हासिल किया। शी वर्कड हार्ड, put in a lot of effort and made a lot of sacrifices to become a top tennis player. उन्होंने कड़ी मेहनत करी, बहुत प्रयास किया और एक शीर्ष टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए यानी कि टॉप टेनिस प्लेयर बनने के लिए बहुत sacrifices, बहुत त्याग किए। The intimate story of her life reveals that she began her journey to become a great tennis player at a young age. उनके जीवन की इंटीमेट स्टोरी यानी कि अतरंग की कहानी ये पता चलता है कि उन्होंने कम उम्र में ही महान टेनिस खिलाड़ी बनने की अपनी जर्नी अपनी यात्रा शुरू की थी। शी वॉज बॉर्न इन साइबेरिया रशिया एंड लेफ्ट हर होम एट द एज ऑफ 9 टू परस्यू हर गोल। और उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना घर 9 साल की छोटी सी उम्र में ही छोड़ दिया था। At the age of 9, she had to separate from her mother and relocate to Florida with her father. उसके पिता ने उसकी शिक्षा का मतलब वह अपनी माता से केवल छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में ही उसने अपनी माता से अलग होना पड़ा और अपने पिता के साथ फ्लोरिडा नामक जगह में चली गई। Her father worked long and hard hours to pay for her education and he was bullied because she was a foreigner. उसके पिता ने उसकी शिक्षा का भुगतान करने के लिए 2400 घंटे कठिन मेहनत करी, मतलब उसके पिता ने पूरे दिन काम किया ताकि वह उसकी एजुकेशन की फीस भर सके, उससे अच्छे से पढ़ा सके। और उसे बुली किया जाता था, बुली मतलब होता है परेशान करना, क्योंकि वह फॉरनर थी। उसे जो है बुली किया जाता था, परेशान किया जाता था क्योंकि वह फॉरनर थी, विदेशी थी। We hear about her dance, singing and fashion interest. Finally, we discovered that while money is important, she has always aspired to be number one. उसको डांस में, सिंगिंग में, फैशन जैसी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। अंत में हमें पता चलता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, बिना पैसों के जीवित रहना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। She has always aspired to be number one. लेकिन तब भी वह हमेशा number one बनने की ख्वाहिश रखती थी। So बच्चों, the end of the reach for the top. तो यहीं पे बच्चों the reach for the top chapter के दोनों पार्ट ख़त्म होते हैं। To summarize the reach for the top, we learn from these two amazing women that if we put our minds to it, perseverance, hard work and dedication will always be rewarded. हमने स्टोरी में क्या सीखा? हमने स्टोरी में देखा कि किस तरह संतोष यादव जी ने एंड मारिया शारापोवा ने कड़ी मेहनत करके और लगन से अपनी गोल पर फोकस करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो बच्चों, अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे और लगन से पढ़ेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सो यहीं पे जो है हमारा रीच फॉर द टॉप चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
आई होप आपको ये दोनों स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।